हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं वीएन पांडे आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत कर रखी थी बच्चा, किन्स का रोजगार का सिद्धांत क्या होता है और उससे संबंधित ढेर सारी हमने बातें की थी कि किन किन परिस्थितियों में रोजगार का निर्धारण होता है और किन परिस्थिति में किन्स जैसे विद्वान ने रोजगार की परिभाषा, रोजगार के बारे में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आज का जो हमारा सिद्धांत है वह अब हम लोग सेकेंड यूनिट के सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। शाकिल वगैरह हो गया है ना बच्चा? हाँ, आज हम बात करेंगे त्वरक एवं गुणक का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, यानी त्वरक का मतलब होता है एक्सेलरेशन और गुणक का इंग्लिश होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में एक्सेलरेशन थियरी की। किसके बारे में बात करेंगे? थियरी ऑफ एक्सेलरेशन। थियरी ऑफ एक्सेलरेशन, और इसी को हिंदी में कहा जाता है त्वरक का सिद्धांत। और एक और सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, या क्या कहते हैं उसको, गुणक का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, और आपको दोनों को जानना चाहिए। ठीक है, तो त्वरक का सिद्धांत जो है वह वास्तव में सबसे पहले, अब त्वरक का सिद्धांत गुणक के सिद्धांत से भी पुराना है, और सबसे पहले एक नाम था अफलाटीन। क्या नाम था उनका? अफलाटीन। उन्होंने इस बारे में बातचीत की सर्वप्रथम, और कब बात की? लगभग 1909 में। और उनके बाद एक नाम था और टीएन कार्वर, उन्होंने इसके बारे में बातचीत की 1913 में। तो 1909 में अफलाटीन और 1913 में कर्वे, ये दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी बातचीत को रखा त्वरक से संबंधित। तो लिखो आप लोग, अफ्टालियन नाम है इनका, अफलाटीन नहीं अफ्टालियन। हाँ लिख देते हैं अफ्टालियन, ए अफ्टालियन। इन्होंने प्रपोज किया इस थियरी को 1909 में। और एक महानुभाव थे जिनका नाम आप लिख लो, टी एन कार्वर। टी एन कार्वर, और इन्होंने इस सिद्धांत को 1913 में अपनी बातचीत को रखा। ठीक है, ए अफ्टालियन एंड टी एन कार्वर 1913 में इस त्वरक के सिद्धांत के बारे में बातचीत की कि त्वरक का सिद्धांत क्या है। अगर देखा जाए तो यह दोनों सिद्धांत 1914 में डेवलप हुआ। कब हुआ डेवलप? 1914 में डेवलप हुआ। ठीक है, 1914 में डेवलप हुआ यह सिद्धांत क्या है? गुणक के सिद्धांत से भी पुराना है। तो इट इज ओल्डर प्रिंसिपल देन मल्टीप्लायर, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। यानी यह सिद्धांत क्या है? गुणक के सिद्धांत से भी पुराना है। ठीक है, बात सुन रहे बच्चे? अच्छा, इस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है वो लिख लीजिए आप।
इस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है वो लिखें आप लोग। बोले हाँ हाँ, इस सिद्धांत की जो मुख्य बात है वह वास्तव में लिखो आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में, निवेश उपभोग स्तर में होने वाले, निवेश उपभोग स्तर में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट इज द डिपेंडेंट depend upon the changes in the level of consumption। बात सुन रही कि आप किस तरीके से क्या करते हो, आप किस तरीके से investment क्या है, change कब होगा या इन्वेस्टमेंट डिपेंड कब है, किस पर निर्भर है। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट यानी ये आपका जो निवेश है यह किस पर निर्भर है, यह है आपके चेंजेस इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन पर, कि आपने क्या कंजम्पशन करना है। आपका अगर कंजम्पशन चेंज होगा तो लाजमी सी बात है इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। समझे इसको, जैसे मान लो आपने कुछ भी क्या किया, कंजम्पशन कर रहे हैं कोई भी गुड्स का या सर्विसेज का, तो आपका एक निश्चित सर्टेन डिमांड होगा भाई, डिमांड होगा तभी तो आप कंजम्पशन जो होगा वो बढ़ेगा। अच्छा डिमांड होगा तो लाजमी सी बात है प्रोडक्शन फंक्शन में ज़्यादा काम करेगा लोग, और जब प्रोडक्शन फंक्शन में ज़्यादा काम करेगा तो प्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं, भूमि पूंजी श्रम साहस और संगठन। और पूंजी का निर्माण जो हम करते हैं जानते हैं, भूमि पूंजी श्रम साहस और संगठन में पूंजी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो पूंजी का जब निर्माण हम करते हैं और पूंजी को जब हमको चाहिए तो लाजमी सी बात है हम कहीं से इन्वेस्टमेंट करके तो लगाना पड़ेगा, संपूर्ण पूंजी तो हमारे पास होती नहीं है, या अगर होगी तो भी हम निवेश तो करेंगे ना। निवेश का मतलब समझते हो ना आप लोग, लगाना, प्रॉफिट के उद्देश्य से अपने धन को कहीं पर लगाना एक निश्चित समयावधि के लिए। ठीक है, तो ये बात से समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड है किस पर, लेवल ऑफ कंजम्पशन पर, कि उपभोग का कैसा स्तर हो रहा है यह कौन डिसाइड करता है। उपभोग का स्तर डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो या कितना ना हो। बात समझ में आई, आ रही है ना, नहीं आ गया तो बोल दीजिएगा प्लीज। इसके बाद क्या बात है, इसके बाद जो बातचीत की गई है इसी के अंदर वो अगला पॉइंट जैसे हम लिखवाते हैं वैसे लिखे आप लोग। जे एम चार्ल्स ने जे एम चार्ल्स ने संशोधित स्वरूप पूरक सिद्धांत का यानी चेंज किया इसमें, चेंजेस इन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का प्रतिपादित किया, यानी गिवन दिया। ठीक है, तो जेम चार्ल्स ने भी क्या किया, एक्सेलरेशन थियोरी को थोड़ा क्या किया, हाँ चेंज किया उसमें। अगला लिखो, त्वरक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में
एक महानुभाव आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, हेरोड, हेरोड, ठीक है। तो त्वरक सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में हेरोड का महत्वपूर्ण योगदान है। इट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरोड टू, इट इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरोड टू लोकप्रिय बनाने, फेमस ऑफ हिज थ्योरी, ठीक है। क्या हेरोड का एक महत्वपूर्ण योगदान है इस थ्योरी को लोकप्रिय करने में। हेरोड की एक बुक थी जिसका नाम था टुवार्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। हेरोड की क्या थी एक बुक, हेरोड की बुक थी और उस बुक का नाम था टुवार्ड्स, हेरोड की एक बुक थी और उस बुक का नाम था टुवार्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। Towards a dynamic economics, ठीक है, towards the dynamic economics, ठीक है। पूछा जाता है कि हेरोड की बुक का नाम क्या है, तो टुवार्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। हेरोड ने क्या कहा वो लिखो कि व्यापार चक्रों में त्वरक की क्रियाशीलता, हेरोड वस्तुतः बिजनेस साइकिल से संबंधित थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी बातचीत को रखा, क्या रखा हेरोड के अनुसार, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हेरोड क्या बोले ये, हेरोड ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्यापार चक्रों में त्वरक की क्रियाशीलता अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। व्यापार चक्रों में त्वरक की क्रियाशीलता अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे व्युत्पन्न मांग का त्वरक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ एक्सेलरेशन
अंडर द बिजनेस साइकिल अंडर द बिजनेस साइकिल इट इज ऑल्सो नोन एज derived demand of acceleration. यही है ना, व्युत्पन्न क्या है, derived demand of acceleration प्रिंसिपल लिख लो, ठीक है बच्चा, हैरोड ने देखा, ठीक बस नहीं। अब हैरोड ने इसी को इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से बांटा। पहले क्या कहा था, अगर हम बात करें त्वरक, तो त्वरक का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, त्वरण नाम सुना है, त्वरण साइंस का एक टर्मिनोलॉजी है, त्वरण, त्वरण का मतलब क्या, एक्सेलरेट करना, गाड़ी वाले का है ना एक्सेलरेटर होता है ना, पैर से दबाते हैं, या टू व्हीलर है तो उससे करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले की स्थिति से आपकी स्पीड तेज हो गई, जिस अवस्था में हो आप उस अवस्था में से आपकी स्थिति थोड़ी तेज हो गई, तभी तो कहते हैं एक्सेलरेटर पे पांव रखे हो कि नहीं, मतलब क्या कि हमने पूर्व स्थिति से थोड़ी स्थिति अपनी क्या कर ली, बढ़ा ली, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि पूर्व से स्थिति को अपने बढ़ाना इन द टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, लेवल ऑफ कंजम्पशन के रिगार्डिंग और इन्वेस्टमेंट के संबंध में, कि निवेश में हमारा जो संबंध है वह कैसा हो रहा है कंजम्पशन के संबंध से, कंजम्पशन समझ रहे हो ना, उपभोग, ठीक है बात सुनाई। तब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट को इन लोगों ने दो तरीके से बांटा, इन्वेस्टमेंट को, ताकि सबकी बात किसकी की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की ही, और इन्वेस्टमेंट को यहां पर दो भागों में बांटा गया, इसके दो तरीके बतलाए गए। पहले तरीकों को कहा गया क्या, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, निवेश को दो तरीके से बांटा गया, पहले तरीकों को कहा गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरे तरीकों को कहा गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हिंदी बता दूंगा पहले आप लोग समझ लें, पहले को क्या कहा गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरे को क्या कहा गया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चा, ऑटोनोमस को हिंदी में लिख लो स्वतंत्र या स्वायत्त, क्या कहा जाता है इसे, स्वतंत्र या स्वायत्त। निवेश दो तरीके के, एक तो होगा आपका स्वतंत्र या स्वायत्त की अवस्था, और दूसरा आपका होगा इंड्यूस को हिंदी में कहा जाता है प्रेरित करना, क्या करना, प्रेरित करना, तो प्रेरित निवेश। निवेश आपका दो तरीके से इन लोगों ने बतलाया कि निवेश वास्तव में जो इन्वेस्टमेंट है वह दो तरीके से हो सकता है, क्या क्या, एक को कहा क्या स्वायत्त, दूसरे को क्या कहा प्रेरित या ऑटोनोमस, और दूसरे को कहा इंड्यूस्ड। अब एक एक के बारे में लिखो, ऑटोनोमस के बारे में बातचीत हम करेंगे। ऑटोनोमस क्या कहता है,
था नाम वैसा काम, स्वतंत्रता की बात करता है, स्वायत्तता की बात करता है। तो लिखो स्वतंत्र निवेश उत्पादन तथा लाभ में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। It is not affected due to the changes in income, यानी आय, उत्पादन यानी प्रोडक्शन एंड अ प्रॉफिट। क्या कहा इन लोगों ने कि ये जो स्वायत्त या स्वतंत्र इन्वेस्टमेंट है ना, यह अफेक्ट नहीं होता, प्रभावित नहीं होता किस से, अगर चेंज हो रहा है आय में, अगर चेंज हो रहा है आपका प्रोडक्शन में, और अगर चेंज हो रहा है प्रॉफिट में। तो ये जो स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश है, यह हमेशा एक ही जैसा रहेगा और इसमें निवेश होता बना रहेगा। इस हिंदी स्वतंत्र या स्वायत्त निवेश से आते हैं, हाँ, आय, उत्पादन तथा लाभ में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, लाभ में परिवर्तन जरूर लिखना। लाभ में परिवर्तन मतलब क्या, अगर बढ़ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, तो लाभ में परिवर्तन से मतलब लाभ में परिवर्तन हो, चाहे आय में परिवर्तन हो, चाहे आपके प्रोडक्शन में परिवर्तन हो, यह इस प्रकार का निवेश क्या होता है, कभी भी प्रभावित नहीं होता। प्रायः इस प्रकार का जो निवेश होता है वह उस देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे लिखो, प्रायः इस प्रकार का निवेश जनरली जनरली दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ठीक है, प्रायः इस प्रकार का जो निवेश होता है वह उस देश का गवर्नमेंट ठीक है, यह निवेश न तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह निवेश न तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है, इट इज नाइदर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नाइदर depends upon the rate of interest nor the depend upon the nahi yah bhavi labh evam labh nirpeksh par hota hai aur nahi bhavi labh evam labh nirpeksh par hota hai nor the depends upon the future profit
एंड देयर एब्सोल्यूट प्रॉफिट, देयर रिलेटिव प्रॉफिट। निरपेक्ष को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट बोलते हैं ना। तो ये तो कहानी किसकी रही भैया? स्वतंत्र या स्वायत्त इन्वेस्टमेंट की। क्या कहा इन्होंने पर देखिए आप लोग, इसमें कहा गया कि यह आय उत्पादन एवं लाभ पर निर्भर नहीं करता, परिवर्तन पर। ठीक है, मुख्य बात क्या है यहाँ पर? आय अगर हम बात करें तो चेंजेस इन द इनकम प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, किस पे? इनकम प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट के चेंज पर निर्भर नहीं करता। यह सामान्यतया गवर्नमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ऐसा निवेश। यह न तो डिपेंड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और न ही डिपेंड होता है फ्यूचर प्रॉफिट और उसके एब्सोल्यूट प्रॉफिट पर। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण बात रही किसके अंतर्गत? स्वायत्त या स्वतंत्र तरीके से क्या है यह इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसके अंतर्गत। अब हम बात कर ले प्रेरित निवेश के बारे में, यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो यह आय उत्पादन एवं इट इज डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन द इट इज डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन द इनकम प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। उसी का उल्टा है ये। ठीक है, आय उत्पादन एवं लाभ के परिवर्तन से प्रेरित होता है। इट इज डिपेंड नहीं, इंड्यूस्ड लिखना, इंड्यूस्ड टू द चेंजेस इन द इनकम प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिट। अर्थात सो दैट, अर्थात यह या प्रेरित लाभ या अन्य के सापेक्ष होता है। सो दैट इट इज रिलेटिव प्रॉफिट, सापेक्ष, इट इज रिलेटिव प्रॉफिट। अर्थात यह लाभ के सापेक्ष होता है। इट इज टू द रिलेटिव प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? त्वरक सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण बात आपको उपभोग में परिवर्तन होने से आपके विनियोग में, निवेश में क्या परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में कौन बात करता है? त्वरक का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे लिखिए गुरु, एक महत्वपूर्ण और बातचीत कर ले आगे। और हाँ,
प्रेरित निवेश का मतलब क्या होता है? सापेक्ष लाभ जैसे बढ़ेगा या लाभ जैसे घटेगा उसका प्रभाव निवेश पे आपको दिखेगा। अगर लाभ ज्यादा होगा तो निवेश भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा है निवेश? क्योंकि लाभ ज्यादा हो रहा है। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम में परिवर्तन होने से आप में कितना परिवर्तन हो रहा है, और निरपेक्ष का मतलब क्या कि हम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप चाहे जितना परिवर्तन अपने अंदर ला लो। बताया था ना जब डिस्पर्जन पढ़ा रहा था, तो याद है ना कि दो वेरिएबल दूसरे पर प्रभाव देखते हैं तो वह सापेक्ष हो जाता है। रिलेशन तभी तो निकालते हैं ना, उसी तरीके से। अब भैया आगे लिखो, त्वरक सिद्धांत। हाँ, उसके आगे जो नया नया लिखवाते हैं ना, मतलब एक हेडिंग जिस तरीके से पॉइंट, त्वरक सिद्धांत उपभोग में होने वाले परिवर्तन, त्वरक सिद्धांत उपभोग में होने वाले परिवर्तनों के उपभोग में होने वाले परिवर्तनों के उपभोग में होने वाले परिवर्तनों के विनियोग पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। विनियोग पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। विनियोग पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जो एक्सेलरेशन थियरी है ना, यह वास्तव में क्या बताता है? क्या लिखे हैं आप लोग? देखो यह सिद्धांत क्या बताता है कि आपका कंजप्शन में चेंज कितना हुआ है, चेंजेस इन द कंजम्पशन, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे निवेश पर। इसका जो इफेक्ट है ना, क्या पड़ रहा है? इफेक्ट। ठीक है, और इसका इफेक्ट बता रहा है किस पर? हमारे इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, समझ नहीं। अगर हम बात करें कि चेंज इन कंजम्पशन के बारे में बात करें, तो दो तरीके से हम निकाले थे इन्वेस्टमेंट, दो तरीके से निकाले थे। एक को हमने कहा था इंड्यूस्ड, प्रेरित, और दूसरे को कहा था स्वतंत्र। स्वतंत्र वह निवेश जो गवर्नमेंट निर्धारित करता है, गवर्नमेंट उस पर अपना वो करता है चाहे जो भी हो, और एक होता है जो हमारा इंड्यूस होता है, वही प्रमुख होता है, वही प्रमुख होता है। ठीक है, हाँ, तो इतना मालूम है हम लोग को, मजा आ रहा है ना, समझ में आई आ रही ना चीजें, बहुत आसान है। नहीं, निवेश और विनियोग थोड़ा है, इन्वेस्टमेंट और उसका मतलब होता है डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं ना, और जहां जहां किए हैं वही चीज को बेच दीजिए, उसको कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक होता है इन्वेस्टमेंट निवेश, और दूसरा होता है डिस इन्वेस्टमेंट। वी उपसर्ग लगा है, अलगाव हो रहा है। ठीक है, ये बात सुन रहे बच्चा, वह अनुपात इज दैट रेशियो। आगे लिखो, फर्क वह अनुपात है एक्सेलरेशन इज दैट रेशियो, फर्क वह अनुपात है एक्सेलरेशन इज दैट रेशियो उपभोग
एक्सेलरेशन इज दैट रेशियो विच आर रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द कंजप्शन. त्वरक वह अनुपात है जो वो एक्सेलरेशन इज दैट रेशियो विच आर रिलेटेड बिटवीन चेंजेस इन द कंसम्पशन चेंजेस इन द कंजम्पशन एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. किसके मध्य उपभोग किसके मध्य कंजम्पशन यानी क्या बोलते हैं उपभोग के दर में परिवर्तन या उपभोग में परिवर्तन तथा प्रेरित निवेश के साथ परिवर्तन का जो दर होता है किसका प्रेरित निवेश का यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का. तो लिखो जो उपभोग व्यय में परिवर्तन तथा प्रेरित निवेश में परिवर्तन के बीच होता है बिटवीन चेंजेस इन द कंजप्शन एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से इन्वेस्टमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है किसके अंतर्गत बोलो भाई इंड्यूस्ड या प्रेरित निवेश. तो प्रेरित निवेश क्या होता है हमने बताया क्या कि अगर प्रॉफिट में अंतर हो रहा है प्रॉफिट में सापेक्ष अंतर हो रहा है तो उसके अंतर के दरमियान उसका अंतर का जो प्रभाव पड़ रहा है वह हमारे निवेश पर किस तरीके से प्रभावित करेगा यही तो बताता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. क्यों बताओ भाई यही बताता है ना. तो ये तो बातचीत रही थोड़ी बहुत हम बात किए किसके बारे में बच्चा किसके बारे में बात किए त्वरक के सिद्धांत के बारे में ठीक है एक्सेलरेशन थियरी के बारे में. ये तो पार्ट वन रहा. पार्ट टू के लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. हम लोग मिलेंगे पार्ट टू के लिए बाहुबली पार्ट टू तो त्वरक पार्ट टू ठीक है. अब तो मजा आ रहा है ना. अब तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि त्वरक का सिद्धांत भैया समझ गए त्वरक बताते हैं ना कैसे निकाल काहे आप इतना परेशान त्वरक भी निकाल लेंगे तब जो आप समझ रही हैं संबंध निकाल लीजिए दोनों में तब समझ जाएंगे ठीक है. हमने कहा त्वरक मतलब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करें. बाहुबली टू को देखना है तो बाहुबली वन को तो कुछ समझना पड़ेगा ना. तो आप लोग देखें तो रिव्यू दीजिए. कौन रिव्यू देगा समीक्षात्मक आलोचनात्मक व्याख्या कौन करेगा हाँ कोई नहीं. चलो त्वरक का सिद्धांत सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने किया हैरोड ने. हैरोड का महत्वपूर्ण स्थान कहां पर है बिजनेस साइकिल में व्यावसायिक चक्र में या व्यवसाय चक्र में ठीक है. सबसे पहले यह सिद्धांत त्वरक का किसने दिया अफलाटियन ने और उनके साथ एक महानुभाव थे जिनका नाम था कर्वर. अफलाटियन ने 1909 में दिया और कार्वर ने 1913 में और प्रमुख रूप से यह जो सिद्धांत है यह 1914 के अंतर्गत फेमस हो गया ठीक है. त्वरक का सिद्धांत क्या कहता है त्वरक का सिद्धांत कहता है कि उपभोग में होने वाला परिवर्तन निवेश में होने वाले परिवर्तन से किस तरीके से संबंधित है. फिर हमने निवेश को दो बराबर भागों में बांटा. एक का मतलब नाम बताया हमने कि निवेश एक तरीके से होता है क्या ऐसा निवेश जो बताओ एक तो इंड्यूस्ड है और दूसरा क्या था ऑटोनोमस स्वायत्त ठीक है या स्वतंत्र.
ऑटोनोमस में हमारा कुछ भी वहां पर अधिकार नहीं होता, वह सब सरकार कार्य करता है और उपभोग में चाहे जो परिवर्तन हो उसके अंतर्गत निवेश में परिवर्तन नहीं होता। जबकि इंड्यूस्ड या जो प्रेरित निवेश होता है उसके अंतर्गत परिवर्तन कैसा होता है, लाभ के सापेक्ष होता है। अगर लाभ आपका बढ़ेगा घटेगा परिवर्तन होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट में भी परिवर्तन होगा। अंततः हमने एक बात बताई क्रक्स की, वास्तव में देखा जाए तो प्रेरित निवेश के साथ जो संबंध है वह किसका, उपभोग में परिवर्तन होने का, वही बताता है त्वरक का सिद्धांत। ठीक है, आप ही लोग के साथ तो हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरी कहानी कर दिए, याद हो गया कहानी, क्यों याद हो गया ना, नहीं नहीं एक बार और पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक कहानी समझ में आई होगी। बेसब्री से इंतजार करिए बाहुबली 2 का, उसके आगे अब आगे की बातचीत भी इसमें है, हम लोग मिलेंगे और उसमें बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।